हेलो व्यूवर्स, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल ITI इन्फोटेक पे। लेके आ गई हूँ मैं आज दो बड़े इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जिन छात्रों का अगस्त में एग्ज़ाम होने वाला है उन सभी के लिए। तो जितने भी छात्र एग्ज़ाम देने वाले हैं, CBT परीक्षा देने वाले हैं, उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। तो क्या बताया जाएगा इसमें दो इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, पूरी जानकारी को जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। और आगे बढ़ने से पहले, अब तक अगर आपने मेरे YouTube चैनल ITI इन्फोटेक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए बिना देर करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आप सभी को पता होगा कि अगस्त में ही आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम तो हो चुके हैं, अब आपके CBT एग्ज़ाम जो है वो बचे हुए हैं। और CBT एग्ज़ाम का जो है, आप सभी को पता है कि इस बार बदलाव किया गया है। बदलाव ये है कि जितने भी आपके पेपर हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग ड्राइंग हो, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल हो, थ्योरी हो, वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस हो, चारों ही पेपर जो है एक साथ आपका कंडक्ट करवाया जाएगा। तो ये एग्ज़ाम कब से कब तक होगा, किस जगह पर कब तक होगा, पूरी जानकारी मैं बता देती हूँ। सबसे पहले तो बताती हूँ कि इसमें लिखा क्या है लेटर में। तो ये इसलिए लिखा गया है कि क्योंकि अगस्त में आपका एग्ज़ाम है CBT, उसका सफल रूप से संचालन हो सके इसके लिए जो है सशस्त्र बल का नियुक्ति होना है। तो आपको पता ही, हर साल जो है जब भी आपका एग्ज़ाम होना होता है उससे पहले लेटर जो है निर्गत किया जाता है, जिसके द्वारा जो है जितने भी सेंटर पर एग्ज़ाम होने वाले होते हैं वहाँ पर दंडाधिकारियों की, जो सशस्त्र बल हैं उन सभी की जो यहाँ पर नियुक्ति की जाती है, उसके लिए एक लेटर जो है जारी किया जाता है जो भी परीक्षा केंद्र है उसके द्वारा। तो इसीलिए आप देख सकते हैं कि ये भी लेटर उसी के लिए लिखा गया है, जो हर जो डिस्ट्रिक्ट है, जो भी स्टेट है, हर कोई इसे निर्गत करते हैं अपने अपने रीजनल लैंग्वेज में। तो आप सभी को पता है कि अगस्त में एग्ज़ाम होने वाला है। तो एग्ज़ाम का डेट जो है कुछ जगहों पर जो है कुछ लंबे दिनों तक चलेंगे, जहाँ पे स्टूडेंट की संख्या ज़्यादा है, और जहाँ पे स्टूडेंट की संख्या कम है वहाँ कुछ कम दिनों के लिए एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट कराई जाएगी। तो एग्ज़ाम जो है आपका, जो सबसे पहला बात है एग्ज़ाम देने के लिए आपको चाहिए हॉल टिकट। तो हॉल टिकट में भी कुछ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि कुछ छात्रों का तो हॉल टिकट आ चुका है, लेकिन कुछ छात्रों के हॉल टिकट अब तक जारी नहीं किए गए हैं। तो जिन छात्रों का भी हॉल टिकट जारी हो गया उनके प्रॉब्लम नहीं है, वो आराम से एग्ज़ाम दे देंगे। लेकिन जिनका हॉल टिकट जारी नहीं किया गया है उन्हें भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसमें देखिए, आप जब भी ओपन करेंगे जो NCVTMS का पोर्टल है वहाँ पर उन्हें क्लियरली मेंशन कर दिया है कि जिन छात्रों का भी एडमिट कार्ड जो है नहीं आया है, क्योंकि अभी क्या बहुत ज़्यादा रश होने के कारण जो एडमिट कार्ड जो डाउनलोड पोर्टल जो है वो स्लो डाउन हो गया, बंद हो गया, काम करना वो बंद कर दिया है, जिसके कारण एडमिट कार्ड और डाउनलोड नहीं हो पा रहा है। तो जिन छात्रों का एडमिट कार्ड डाउनलोड हो गया उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है, तो आराम से एग्जाम दे देंगे। जिनका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हुआ उन्हें भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका एडमिट कार्ड जो है उनके ईमेल पे आ जाएगा और वो आराम से एग्जाम दे सकते हैं। तो जितने भी छात्र हैं, अगर आपका एडमिट कार्ड नहीं आया है तो आप सभी अपने अपने ITI एक बार जरूर संपर्क कर लें। आपको आपका एडमिट कार्ड जो है आपके कॉलेज से भी मिल जाएगा, मैनुअली बन करके भी आपको मिल जाएगा, साथ ही साथ ईमेल ID पे भी जो है एडमिट कार्ड निर्गत कर दिया जाएगा। तो ये तो हो गया पहला नोटिफिकेशन। जो दूसरा नोटिफिकेशन है वो ये है कि जो भी छात्र एग्जाम में बैठने वाले हैं इस बार CBT एग्जाम में, ये एग्ज़ाम जो है सिर्फ और सिर्फ रेगुलर छात्रों का ही है, इसमें कोई भी बैक पेपर का एग्ज़ाम नहीं होना है। ये एग्ज़ाम जो आपका कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद बैक पेपर के लिए अलग से एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। उस एग्ज़ाम में भी जो है व्यवस्था यही रहेगी कि जितने भी छात्र हैं, तो जितने भी बैक पेपर के छात्र हैं उनका इसीलिए अलग से एग्ज़ाम करवाया जाएगा क्योंकि उनका जो है ED का पेपर ऑफलाइन हुआ करता था। तो इसीलिए इस बार बैक पेपर का एग्ज़ाम साथ नहीं लिया जा रहा है, बैक पेपर का एग्ज़ाम जो है अलग से कंडक्ट कराया जाएगा। और बैक पेपर का एग्ज़ाम, ये सारे एग्ज़ाम खत्म होने के बाद उम्मीद किया जा सकता है कि सितंबर के लास्ट तक ये एग्ज़ाम भी, या फिर जो अक्टूबर है, क्योंकि आप सभी को पता है कि सितंबर में कुछ फेस्टिवल हैं इस बार, तो अक्टूबर तक भी जो है आपके एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लिए जाएंगे। तो ये तो हो गया दूसरा नोटिफिकेशन कि जो भी बैक पेपर जाते हैं वो भी घबराए नहीं, आपका एग्ज़ाम भी जल्दी ले लिया जाएगा और आपका पेपर ऑनलाइन नहीं होगा, तो इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपका पेपर जिस माध्यम में होता था उसी माध्यम में आपका पेपर करवाया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि कब से कब तक CBT एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो CBT एग्ज़ाम जो है आपके अगस्त में स्टार्ट होंगे। आप सभी को पता है कि अगस्त में ही आपके प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुके हैं, अब CBT का डेट भी आ चुका है। ये CBT का एग्ज़ाम सितंबर तक चलेगा, सितंबर के फर्स्ट वीक तक। तो कब से कब तक एग्ज़ाम है ये मैं आपको बता दूँ, ये अगस्त के 8 तारीख से शुरू होगा और जो लास्ट एग्ज़ाम है वो 1 सितंबर तक कराया जाएगा। तो जहाँ पर छात्रों की संख्या कम है वहाँ अगस्त में एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएंगी, लेकिन जहाँ छात्रों की संख्या ज़्यादा है वहाँ पे एग्ज़ाम जो है 1 सितंबर तक होंगे। तो मैं बता दूँ, क्योंकि छात्रों की संख्या इसमें ज़्यादा होती है इसलिए CBT एग्ज़ाम लंबा चलेगा, और इस बार थोड़ा कम दिन ही होगा क्योंकि इस बार जो है सारे सब्जेक्ट के एग्ज़ाम एक साथ ही कंडक्ट कराए जा रहे हैं। तो फिर से बता दूँ, CBT एग्ज़ाम जो है 8 अगस्त से स्टार्ट होने वाले हैं और ये 1 सितंबर तक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाएंगे। तो आप सभी अपना अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर ले।
उससे आपको पता चल जाएगा कि आपका एग्ज़ाम कब होने वाला है, क्योंकि एग्ज़ाम तो बस एक दिन जो है वो होगा सब छात्रों का। तो ये था आज का वीडियो। अगर आप में से कोई डाउट होगा तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं कोशिश करूँगी आप सभी कमेंट का जवाब देने का। इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, तो जितने भी छात्रों का एग्ज़ाम होने वाला है वो घबराएं, जिनका एडमिट कार्ड नहीं आया है वो भी घबराएं नहीं, उन सभी को जो है पूरी जानकारी प्राप्त हो जाए। तो ये था आज का वीडियो। जुड़े रहें ITI इन्फोटेक यूट्यूब चैनल के साथ। जितने भी छात्र हैं बैक पेपर के बारे में, जैसे कंफर्म नोटिफिकेशन आ जाएगा मैं आप सभी को बता दूंगी कि बैक पेपर का एग्ज़ाम भी कब से होने वाला है, लेकिन फिलहाल अभी यही है कि सितंबर लास्ट या अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक भी आपका जो है CBT एग्ज़ाम, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम, ये सब जो है कंडक्ट करवा लिया जाएगा जितने भी बैक पेपर के छात्र हैं, जो भी ऑफलाइन माध्यम जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिया था उनके। और जिनका भी एग्ज़ाम होने वाला, जिन छात्रों का भी एग्ज़ाम होने वाला, उन सभी छात्रों को ऑल द बेस्ट।